नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं गांव वाला ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको आज यहां पे दिखाऊंगा कि बैंक निफ्टी ने आज कैसे ट्रेड किया, और कल का जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था आप लोग अगर देखना चाहें तो कल का भी वीडियो देख सकते हैं। कल मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आज बैंक निफ्टी ट्रेड करने के उसमें जोन में नहीं है, अगर आप ट्रेड करते हैं तो ट्रैप होंगे, आपका नुकसान करेंगे। तो आज सारा दिन वैसे ही, जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था, वैसे ही बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया। यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, यहाँ पे है हमारा ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 44,265 का। इसको कई बार टेस्ट कर चुका है मार्केट, यहाँ पे एक बार कर चुका है, यहाँ पे दूसरी बार किया, यहाँ पे तीसरी बार किया, चौथी बार किया, और यहाँ पे आप देखिए कि ये पांचवी बार यहाँ तक पहुँचा ही नहीं, और उसके पहले ही उसने रिवर्सल ले लिया, और टाइम चूँकि ज़्यादा नहीं था इसलिए वहीं पे क्लोजिंग दे दी। अब देखिए, मैंने कल के वीडियो में बताया था, ये कल की क्लोजिंग है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ तो आप लोगों को क्लियर दिखेगा। देखिए, कल मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होके ये थोड़ा सा ऊपर गया, और ऊपर जाके पूरा चैनल के अंदर ही घूमता रहा। जो हमने अभी रेजिस्टेंस आपको बताया है 44,265 का, उसी चैनल के अंदर ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करके ऊपर गया, ऊपर जाके थोड़ा सा ये नीचे यहाँ पे गया। इसने अपने ये सपोर्ट वाली लाइन को ब्रेक जरूर किया है, लेकिन अब चूंकि टाइम भी लगभग 3 बज रहा था तो ज़्यादा नीचे आ नहीं पाया, और यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। आज मार्केट ने, कल के वीडियो मैंने जैसे बताया था कि ये जो मार्केट है यहाँ पे एक चैनल में फंस गया है। आप पिछले 2-3 दिन पीछे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चैनल बनाया था, इस चैनल में फंसा रहा, यहाँ पे दूसरे दिन भी एक चैनल में फंसा रहा, और कल की जो क्लोजिंग थी यहाँ पे देखिए, इसी चैनल के अंदर ही इसने क्लोजिंग दे दी थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका ये सपोर्ट लेवल है, इसी चैनल के अंदर क्लोजिंग दे दी थी, तो इसीलिए मैंने ये प्रिडिक्शन करके आप लोगों को बताया था कि आज का मार्केट ट्रेडिंग जोन में नहीं है, ट्रैप जोन में है, तो ये आपको ट्रैप करेगा। कमेंट करके बताइएगा किस किस ने यहाँ पे ट्रेड लिया है और कितने लोगों का लॉस हुआ है, क्योंकि आज तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, शांति से बैठा रहा, क्योंकि मैंने देखा था यहाँ पे मार्केट आज यहाँ पे ओपन हो गया, और ये जो चैनल आपको दिखाया था मैंने, ये जो चैनल बताया था, इसी चैनल के अंदर ही वो घूमता रह गया था। तो देखिए, पूरा दिन जो है ना इस चैनल के अंदर ही पूरा, इस चैनल के अंदर सारा टाइम इसने स्पेंड कर दिया। लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करने की कोशिश जरूर करी, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो गया था, टाइम ज़्यादा होने का मतलब यह कि 3 बज गया था, 3 बजे का मूव यहाँ पे मिला, और 3 बजे के मूव को भी हमने ट्रेड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एक चैनल के अंदर फंसा हुआ था, किसी भी साइड जा सकता था, इसलिए हमने आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया। ये थोड़ा सा ऊपर ज़रूर गया, लेकिन यहाँ अपने 44,265 का जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल बताया है उसको ब्रेक नहीं कर पाया, और यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। अब अगर कल मार्केट यहीं पे कहीं ओपन हो जाए तो ये जो है, थोड़ा सा मैं इसको और जूम इन कर लेता हूँ, 15 मिनट का कैंडल लगा लेता हूँ तो थोड़ा और इजी होगा यहाँ पे देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए, यहाँ पे मार्केट जो है ये 44,265 का जो स्ट्रांग जोन है वो अगर कल यहीं के यहीं ओपन हो जाता है, और यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ कहीं थोड़ा सा सस्टेन करता है, 15-20 मिनट आधे घंटे का टाइम स्पेंड करता है, तो फिर ये अच्छा खासा मूव देके अपने अपर लेवल, मतलब पहला टारगेट तो हमारा 44,355 का रहेगा, अगर 265 को निकालता है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 44,265 का जो रेजिस्टेंस लेवल है अगर उसको निकालता है तो पहला टारगेट बनेगा 44,355, और सेकंड टारगेट अपना बनेगा 44,455 का, और थर्ड टारगेट हमारा बनेगा 44,555 का।
तो ये हमारे तीन तीन टारगेट निकल के आएंगे। अगर यहाँ पे मार्केट सेम जगह पे ओपन हो के यहाँ कहीं कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेशन के बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो ये हमारे तीन टारगेट निकल के आएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि हमारी जो क्वांटिटी होगी वो बहुत ही कम होगी। अगर हम फॉर एग्जांपल 10 लॉट या 20 लॉट में लगाते हैं तो हमें 3 से 4 लॉट या 2 लॉट पे ही रखना है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी जो है साइडवेज चल रहा है और अभी इसका जो पुराना पिछला रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 44,485 का, जो लास्ट इसने ये हाई लगाया है वो यहाँ पे है ना। तो 485 का इसने हाई लगा के इसके ऊपर जा ही नहीं पाया, और नीचे के लिए तो बहुत सारे सपोर्ट्स हैं। तो अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होके नीचे आता है तो भी ये एक सेम कल के जोन पे और आज के जोन पे फंसेगा, तो हमें यहाँ नीचे का भी ट्रेड जल्दी नहीं लेना है। अगर यहाँ कहीं आके यहाँ पे कंसोलिडेट करे तो फिर हमें यहाँ पे 150-200 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा, और ये फिर आपको यहाँ पे 43,850 तक का लेवल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 100-150 का अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा। अब अगर कल गैप डाउन ओपन हो जाए, यहाँ कहीं ओपन हो जाए, तो भी हमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने देना है, देखना है। अगर इस लेवल को ब्रेक करके थोड़ा कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेक करे तो सेम टू सेम यही अपने को टारगेट नीचे साइड का रखना है, और अगर ऊपर साइड जाता है तो फिर ये फंसेगा यहाँ पे, फिर उसी रेंज पे, इस रेंज पे ये फंस जाएगा और हमें ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है। अगर यहाँ कहीं ओपन होता है नीचे, गैप डाउन ओपन होता है तो ठीक है दोस्तों। और अगर मान लीजिए यहाँ पे ओपन होके यहाँ तक ऊपर आया, अपने इस लेवल को क्रॉस करता है और डायरेक्ट क्रॉस करता है, तो हमें कोई लेना देना नहीं, हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है देन हमें ऊपर का अच्छा खासा मूव मिलेगा, फिर वहाँ पे 100-150 का हमें अच्छे 100-150 के पॉइंट मिल सकते हैं। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं ओपन हो जाता है इस लेवल पे, तो हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन क्या बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट साइडवेज चल रहा है, इसलिए हमें कल जल्दी ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट का प्राइस एक्शन जो भी बने, जैसा कि मैंने इस वीडियो में अभी आपको इंडिकेट किया है, उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियोज को लाइक भी कीजिए, ताकि मेरा थोड़ा सा और उत्साहवर्धन हो और मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छे तरीके से बना सकूं। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो सीखना चाहते हैं, जो शेयर मार्केट से कमाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं किसी को ट्रेड लेने का सजेशन नहीं दे रहा हूँ, यह वीडियो ओनली लर्निंग पर्पज़ से बनाया जा रहा है, मैं किसी को सजेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।